नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनीष विरजी टेक्निकल में। दोस्तों आज हम आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो के माध्यम से बताया है कि जो मोटर होती है, समर्सिबल मोटर हो गई या दोस्तों चक्की की मोटर हो गई या 1 HP 1.5 HP 2 HP, दोस्तों उसमें कौन सी कंपनी के कैपेसिटर लगाएं जो लॉन्ग लाइफ, मतलब कि मोटर पर कोई भी क्षतिग्रस्त ना हो, मोटर में कोई शिकायत भी ना आ पाए। आज का टॉपिक दोस्तों ये है कि जो चक्की की मोटर होती है उसमें कितने नंबर का रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर कितने कितने नंबर का लगाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहना है, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना है और जो भी जानकारी आपको बताई जाए उसे ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो हमारे चैनल से सुनने के लिए रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दोस्तों आप क्लिक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, बहुत से मेरे भाई जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि दोस्तों हम आपके सामने नए नए वीडियो लाने का प्रयास करें। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आपको पता ही होगा जो चक्की की मोटर होती है वो 1.5 HP से स्टार्ट होती है, नॉर्मल 1.5 HP 2 HP 2.5 HP 3 HP 3.5 HP 5 HP की दोस्तों जो मोटर होती है वो सिंगल फेज 3 फेज के हिसाब से दोस्तों मोटर लगाई जाती है। सिंगल फेज में दोस्तों नॉर्मली जो लगती है 1.5-2 HP की मोटर लगाई जाती है। तो उसके कैपेसिटर की दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। उसमें दोस्तों आपको पता ही होगा किस किस मोटर में, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस किस मोटर जो भी कोई होती है उसमें कभी किसी में 3 सेल आते हैं, किसी में 2 कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दोस्तों उसका भी रीज़न मेरे पास है। उसमें दोस्तों क्या होता है, जो एक तो होता है रनिंग सेल, किसी में 2 सेल होते हैं, किसी में 1 सेल होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर दोस्तों एक ही आपको मिलेगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि 1 सेल एक्स्ट्रा इसलिए लगाते हैं ताकि मोटर जो ऑटो होती है वो दोबारा स्टार्ट होने के लिए दोस्तों वो काम में आता है। अब बात करते हैं दोस्तों कितने नंबर का सेल उसमें लगाया जाता है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर की। तो दोस्तों नॉर्मली वैसे तो 80 सौ का भी लगता है, 120-150 का, ज़्यादातर दोस्तों 120-150 का यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों अगर वो मार्केट में ना मिले तो आप 150-200 MFD का, दोस्तों आप देख रहे होंगे 150-200 MFD का आप कैपेसिटर यूज़ करें। दोस्तों चक्की के लिए दोस्तों सबसे शानदार और सबसे अच्छा जो सूटेबल दोस्तों कैपेसिटर होता है वो ये वाला सेल होता है। दोस्तों कंपनी आपको दिख रही होगी, जैम कंपनी का सुपर कैपेसिटर है। आप मिलबोर्न का भी लगा सकते हैं, हेवल्स का भी लगा सकते हो, टिबकॉन का भी लगा सकते हो, टेस्ट क्यू का भी लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सभी कंपनियाँ बहुत ही अच्छी है जो हम ज़्यादातर हमने यूज़ भी किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसे कई कैसे तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो बहुत सी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा चलने वाली जो कंपनी है वो दोस्तों यही है। तो दोस्तों 150-200 ये तो स्टार्टिंग कैपेसिटर आपकी जो मोटर के लिए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करता हूँ कि रनिंग कैपेसिटर, ज़्यादातर रनिंग कैपेसिटर जो चक्की की मोटर के लिए दोस्तों लगता है वो, दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, वो लगता है दोस्तों 20 MFD का कैपेसिटर। जैसे कभी कभी आप जैसे कभी पहले नई मोटर लेके आए हो और 3-4 साल चलाने के बाद वो मोटर मतलब जैसे सेल की कमी आ गई हो, उसमें 15 MFD का अगर कैपेसिटर लग रहा हो, चाहे तो दोस्तों आप 15 MFD का कैपेसिटर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 15 MFD का कैपेसिटर अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता है तो आप 20 MFD का कैपेसिटर भी लगा सकते हो। लेकिन दोस्तों 20 से ऊपर आप 25 का कभी ना लगाएं, क्योंकि दोस्तों 25 की जो आएगा कैपेसिटर दोस्तों, अगर किसी मोटर में 25 का लग रहा है तो ही आप 25 का लगा सकते हो, नहीं दोस्तों अन्यथा आप 15 MFD का कैपेसिटर नहीं मिला तो 20 से ज़्यादा दोस्तों कैपेसिटर का यूज़ ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छा होता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती मोटर के लिए। तो आप इस टाइप के जो कैपेसिटर हैं वो यूज ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों कई वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ।